नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। कंस्ट्रक्टर्स आर आल्सो फंक्शन। वी कैन यूज एनी नेम ऑफ फंक्शन इन क्लास, बट कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज क्लास नेम। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, बट कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। दैट्स वाई कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट वाई दैट्स वाई वी नेवर यूज एनी रिटर्न टाइप इन कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक फंक्शन है, वो भी फंक्शन है। जैसे फंक्शन होते हैं क्लास में, वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है। अब क्लास में क्या होता है, बहुत सारे किसी भी नाम का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, किसी नाम का मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज क्लास नेम। ये रूल है कि कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। जैसे ही आपको दिखे कि क्लास के नाम से कोई फंक्शन बना हुआ है, तो आप समझ जाइए वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है। फंक्शन में रिटर्न टाइप कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। फंक्शन में भी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट, बट कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पब्लिक और डिफॉल्ट, बिकॉज वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्रॉम आउट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर वी क्रिएट। इफ यू वांट टू कॉल, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट फंक्शन, देन वी कॉल फंक्शन। बट इफ यू वांट टू कॉल, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट कंस्ट्रक्टर, देन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। अगर हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। वी कैन यूज मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं क्लास में। मीन्स वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जस्ट लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है वैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो सकती है। वी कैन यूज मैनी कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास। इफ यू नेवर यूज एनी कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, देन प्रोग्राम कंट्रोल क्रिएट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाई डिफॉल्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ वी नेवर क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास एंड वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, देन प्रोग्राम कंट्रोल क्रिएट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाई डिफॉल्ट। बट इफ वी क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर, देन प्रोग्राम कंट्रोल नेवर क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाई डिफॉल्ट। इस तरीके से समझिए, जैसे कोई भिखारी है, एक भिखारी है, उसके पास कोई पैसे नहीं है, भीख मांग रहा, लोग दे देंगे। लेकिन अगर हजार हजार दो दो हजार के नोट लेके बैठे, अब तो हजार की चलती नहीं नोट, दो दो हजार के नोट लेके बैठा हुआ है और पैसे मांग रहा है तो कोई नहीं देगा क्योंकि उस पर पैसे हैं। वही चीज में भीख डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तभी मिलती है जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर ना बनाया हो। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भीख देता है प्रोग्राम कंट्रोल, वो डिफॉल्ट यानी कंपाइलर या प्रोग्राम कंट्रोल जो कह सकते हैं, तो वो भीख नहीं मिलेगी। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भीख तभी मिलेगी जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में ना बनाया हो, ना क्रिएट किया हो, ना डिफाइन किया हो। तभी हमें, अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है प्रोग्राम में और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने आप से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है और जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू असाइन हो जाती है। तो कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू असाइन इनिशियल वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स। अब देखिए क्या है कंस्ट्रक्टर, क्या है
a member function or method with the same name as its class name is called a constructor. It is used to initialize the object. Initialize the object means to assign values of data members. हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जितने डेटा मेंबर क्लास में होते हैं सबकी वैल्यू असाइन हो जाती है ऑब्जेक्ट में. ओके, क्लास इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट. वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी क्लास. किसी क्लास से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए क्लास को हम क्या कहते हैं, क्लास इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट. एक क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं. तो जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हर ऑब्जेक्ट में हमारे डेटा मेंबर्स मौजूद होंगे और उनकी वैल्यू स्टोर होगी अगर हमने जो दी है, या नहीं दी है तो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होगी. कैसे वर्क करेगा वो देखिए. तो क्या है, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट और यू कैन से डेटा मेंबर्स ऑफ दैट क्लास टाइप विद अ लीगल इनिशियल वैल्यूज. अगर हमारा डिफॉल्ट है डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी, अगर हमने पैरामीटर से पास किया है तो वो पैरामीटर से वैल्यू जो दी है वो असाइन होंगी उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में. जितने ऑब्जेक्ट आएंगे हर ऑब्जेक्ट में सारे डेटा मेंबर प्रेजेंट होंगे विद वैल्यू, चाहे डिफॉल्ट ही हो. आप देखिए क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंस्ट्रक्टर की, सेम नेम एज क्लास नेम. यानी कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, जो क्लास नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर नाम होता है, दूसरा नाम नहीं हो सकता है. फंक्शन किसी भी नाम का हो सकता है लेकिन कंस्ट्रक्टर सिर्फ क्लास का नाम ही होगा. जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर नेम होगा, दूसरा नेम नहीं हो सकता. दूसरी क्या है, कंस्ट्रक्टर्स हैव नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वाइड. कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वाइड आल्सो, वाइड भी नहीं होता. जैसे फंक्शन में, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न वाइड, दैट्स व्हाई वी, if you don't want return any value from function then we use void as return type in function. But in constructor, constructor never return any value, that's why we never use any return type in constructor. Okay, to constructor have no return type not even void, koi bhi return type nahi diya jayega. Uske baad kya hai, third, constructors must be public or default. कंस्ट्रक्टर जो होगा वो पब्लिक या डिफॉल्ट होगा, बिकॉज इन जनरल वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्रॉम आउट ऑफ क्लास. आउट ऑफ क्लास हम तभी वर्क कर पाएंगे जब वो कोई भी कंस्ट्रक्टर हमारा जो है वो पब्लिक हो या डिफॉल्ट हो. अगर प्राइवेट हो जाएगा तो क्लास के अंदर ही वर्क करेगा, क्लास के बाद उसका स्कोप खत्म हो जाएगा. इसलिए इन जनरल कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पब्लिक और डिफॉल्ट. या तो पब्लिक लिखेंगे या कुछ नहीं लिखेंगे. कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है. डिफॉल्ट क्या करता है, क्लास के बाहर भी वर्क करता है, बट क्या है, पैकेज के बाहर नहीं करता. ये हमने बताया आपको. तो पब्लिक और डिफॉल्ट में यही डिफरेंस है. पब्लिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस विद इन क्लास, आउट ऑफ क्लास एंड आउट ऑफ पैकेज. बट डिफॉल्ट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस विद इन क्लास एंड आउट ऑफ क्लास बट विद इन सेम पैकेज. ये बताया मैंने. तो वही चीज़ है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं, इन जनरल क्लास के बाहर बनाते हैं, ठीक है. इसलिए हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पब्लिक होता है या डिफॉल्ट होता है जनरली, ठीक है. फिर क्या है, कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. यानी इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट. वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. ओके, कंस्ट्रक्टर्स कॉल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास देन कंस्ट्रक्टर विल बी इनवोक्ड. जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही उस क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. तो कंस्ट्रक्टर, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास देन कंस्ट्रक्टर विल बी इनवोक्ड. We can overload the constructors. Just like function overloading, we can use constructor overloading. Means we can use multiple constructors within class. एक class के अंदर हम कई constructor use कर सकते हैं. कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे. Okay?
If class has no constructor, the compiler automatically creates one. When we never create any constructor in class and we create object of class, then program control or compiler creates default constructor by default. अभी मैंने बताया आपको कि जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में नहीं लिखा है, नहीं है हमारा, और हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोग्राम कंट्रोल यानी कंपाइलर हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा. लेकिन अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हाइड हो जाएगा, यानी वो अपने आप से जो क्रिएट होता है वो क्रिएट नहीं होगा. जस्ट लाइक भिखारी, भिखारी के पास अगर रुपए हैं तो कोई भी नहीं देगा. अगर कोई देख लेगा 2000 की नोट लिए बैठा हुआ है भिखारी, कोई नहीं देगा. जब नहीं होंगे तब देगा. तो वही चीज़ है, जब नहीं होगा तो कोई नहीं कंस्ट्रक्टर बना होगा, तब भीख मिलेगी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की. लेकिन अगर कोई भी बना दिया है, कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर आप बना दिया है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बनता है वो बनेगा नहीं. अगर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है तो वो भी बनाना पड़ेगा. क्लियर है? उसके बाद डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर. अब कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है पब्लिक, या हमने इसको क्या लिखा है, इसको ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शनल है. तो पब्लिक क्लास नेम, क्लास नेम ही होता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम होगा, यानी वो कंस्ट्रक्टर नेम हो जाएगा. तो पब्लिक होगा यानी कुछ नहीं होगा. क्लास नेम, देयर इज नो रिटर्न टाइप, देयर इज नो मॉडिफायर, क्लास नेम. और क्या होगा, फॉर्मल पैरामीटर्स, दीज आर आल्सो ऑप्शनल, अगर देंगे या नहीं देंगे जरूरत के हिसाब से होता है. और वी कैन यूज एनी स्टेटमेंट विद इन कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर जैसे फंक्शन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, वैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. बट इन जनरल कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू गिव इनिशियल वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स. इन जनरल क्या होता है, डेटा मेंबर की वैल्यू असाइन करने के लिए होता है. लेकिन हम कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं. मान लिया हमने कोई इनपुट किया हुआ है, कुछ किया है, तो हम फिर क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने बताया है कि यहाँ क्या होगा, थ्रोज एक्सेप्शन क्लासेस. अगर हम इनपुट के अंदर दे रहे हैं तो हम इनपुट भी कर सकते हैं. तो जनरली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज डेटा मेंबर की वैल्यू असाइन करने के लिए होता है. तो जब हम असाइन सिर्फ कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी, नहीं होगा, ठीक है. लेकिन है, जस्ट लाइक फंक्शन वर्क करा सकते हैं आप उसको. अब क्या होगा, फिर बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन होगी. ये हमारा फॉर्मेट है कंस्ट्रक्टर का, यानी जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन. जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं डेफिनेशन. किसी भी फंक्शन की या किसी कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, या बॉडी ऑफ फंक्शन और बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर. यहाँ कंस्ट्रक्टर है तो बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर हो गया, अगर फंक्शन होगा तो बॉडी ऑफ फंक्शन होगा, उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन. वहाँ फंक्शन में फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन बोलते हैं. अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. दो तरीके कंस्ट्रक्टर होते हैं, जब हम पैरामीटर नहीं देते हैं, जब पैरामीटर देते हैं. जब नहीं देते हैं तो नॉन पैरामीटराइज होता है, जब देते हैं तो पैरामीटराइज हो जाता है. तो क्या है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जब हम कोई पैरामीटर नहीं देते हैं तो वो डिफॉल्ट यानी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाता है. वो जस्ट लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क करता है. जैसे जो अपने आप से बनता है कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. उसी तरीके से जब हम कोई पैरामीटर नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह ये काम करता है, इसलिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं. उसके बाद क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स आर द वंस दैट रिसीव पैरामीटर्स एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट में जो डेटा मेंबर है उनकी वैल्यू, विद रिसीव्ड वैल्यूज. जो वैल्यू हम दे रहे हैं उन वैल्यू से जो हमारे डेटा मेंबर हैं उनको असाइन कर देता है, इनिशियलाइज कर देता है. ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम है. उसके बाद क्या है, द दिस कीवर्ड. दिस कीवर्ड का क्या यूज है, वी कैन यूज दिस कीवर्ड. दिस कीवर्ड इज रिलेटेड टू करेंट ऑब्जेक्ट. दिस कीवर्ड इज रिलेटेड टू करेंट ऑब्जेक्ट. और हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जब पैरामीटर पास करते हैं तो वही लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल सेम हो जाते हैं. लोकल का नाम जो है वही ग्लोबल का नाम हो जाता है.
तब भी हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं ग्लोबल के साथ। कैसे करते हैं उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो देखिए दिस का क्या काम है, दिस कीवर्ड, तो दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस द रिफर टू द करेंटली कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द दिस की दिस इज बाय डिफॉल्ट मेड अवेलेबल टू इनवोक्ड मेंबर मेथड और फंक्शन। द दिस कीवर्ड ओनली पर्टेन्स टू एंड इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंट दो तरह के मेथड होते हैं, इंस्टेंट मेथड और क्लास मेथड। तो कैसे पता चलता है इंस्टेंट मेथड क्लास मेथड में, जिसके आगे स्टैटिक लगा होता है वो क्लास मेथड हो जाते हैं, जिसमें स्टैटिक नहीं लगा होता है वो इंस्टेंट मेथड हो जाते हैं। इंस्टेंट मतलब होता है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं। जिनके आगे स्टैटिक लगा होता है वो हमारे क्लास मेथड से जाते हैं, जिनके आगे स्टैटिक नहीं लगा होता है वो इंस्टेंट मेथड कहे जाते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करते हैं इंस्टेंट। ठीक है, तो एन इंस्टेंट मेथड इनवोक मेंबर मेथड्स और फंक्शंस। द दिस कीवर्ड ओनली पर्टेन्स टू एन इंस्टेंट मेथड नॉट टू अ क्लास मेथड। क्लास मेथड नहीं, द दिस कीवर्ड इज एन इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो पैरामीटर हम पास करते हैं व्हेन वी कॉल फंक्शन। अब यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हैं। व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड पास पैरामीटर्स, दिस पैरामीटर्स आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स। द दिस कीवर्ड इज एन इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर टू दिस इंस्टेंस ऑफ द क्लास। द दिस कीवर्ड इज एक्सेसिबल इन साइड ऑफ एनी इंस्टेंट मेथड फंक्शन। तो ये काम है, हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट और पैरामीटर पास करते हैं। अगर तो ये करंट ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है, दिस कीवर्ड इज यूज फॉर करंट ऑब्जेक्ट एंड वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। यानी डेटा मेंबर लोकल और ग्लोबल में डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं दिस से। कैसे करेंगे तो देखिए, तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है। अब इसमें क्या किया, हमने एक क्लास लिया है जिसका नाम है क्लास बॉक्स। बॉक्स नाम का क्लास है, इसमें तीन डेटा मेंबर्स हैं, डबल टाइप के, डबल एल कॉमा बी कॉमा एच। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ एंड एच फॉर हाइट। यानी एक बॉक्स है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो तीन पर हमने डेटा मेंबर्स लिए हैं डबल टाइप के, डबल एल कॉमा बी कॉमा एच। अब फिर क्या किया है, हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया। कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ हमने कोई वैल्यू नहीं दी, यानी डिफॉल्ट यानी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। हमने क्या लिखा, पब्लिक बॉक्स और कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, यानी ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। हमने क्या किया, हमने कहा एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0.0। इसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट, एक साथ कई वेरिएबल वैल्यू असाइन करना। तो होता क्या है, कैसे वर्क करता है ये, ये 0.0 एच में जाएगा, फिर एच की वैल्यू बी में जाएगी, बी की वैल्यू एल में जाएगी, यानी सब में एल बी एच तीनों में 0.0 असाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा है पब्लिक बॉक्स डबल एक्स, एक वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर है, इसमें एक वैल्यू पास कर रहे हैं। तो क्या होगा, एल कॉम इजल टू बी इज एच कॉमा एक्स, यानी एक्स की वैल्यू एच में जाएगी, वही वैल्यू बी में जाएगी, वही एल में जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू एल बी एच तीनों में चली जाएगी। अब आप देखिए, यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ एक पैरामीटर है, यहाँ तीन पैरामीटर हैं, यहाँ एक है, लेकिन ये बॉक्स टाइप का है यानी ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी कंस्ट्रक्टर सेम नेम है, जो क्लास का नाम है वही, जो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, जो क्लास का नाम होता है। तो फंक्शन में भी क्या होता है, एक जैसे नाम, एक ही नाम हो जाता है, तो किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके सिग्नेचर से। तो ये सिग्नेचर्स हैं यानी फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ एक पैरामीटर है, यहाँ तीन पैरामीटर हैं, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन ये डबल टाइप का है, ये क्लास टाइप का है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर रहे हैं इसमें, एक ही प्रोग्राम में हम सब कुछ बता रहे हैं आपको। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी है, एक ही क्लास में कई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कितना है, 1 2 3 4 कंस्ट्रक्टर बनाया,
और सबका नाम बॉक्स है, तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुए। अब ये कैसे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर तीन पैरामीटर पास किया, अब एक चीज इसमें क्या हुआ, L डबल B डबल H ये भी हैं और ग्लोबल वाले भी L भी H हैं। अब समस्या हो गई, कंप्यूटर कैसे समझेगा कि कौन वाले L की बात हो रही है। लोकल वेरिएबल इज मोर पावरफुल देन ग्लोबल वेरिएबल, लोकल तो क्या होगा, जैसे ही ये LBH आएंगे ग्लोबल वाले हमारे हाइड हो जाएंगे, तो उनको सब लाना है तो क्या करेंगे, दिस से आएंगे, जैसे हम लिखेंगे दिस डॉट L का मतलब है इस L की बात हो रही है ग्लोबल वाले की, तो दिस डॉट L इज इक्वल टू L, यानी ये L इस L में चला जाएगा, यानी ग्लोबल वाले में चला जाएगा, और ये वाला B ये ग्लोबल वाले बी में चला जाएगा, और जो एच है एच ये ग्लोबल वाले एच में चला जाएगा। यानी जब हमारे लोकल और ग्लोबल का नाम सेम हो जाता है तो ग्लोबल वेरिएबल के साथ दिस लगाते हैं, दिस डॉट ग्लोबल वेरिएबल, और दिस करंट ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है। तो ये आपका क्या है, दिस का भी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया यहाँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जब भी हम कोई फॉर्मल पैरामीटर दे रहे हैं उसमें टाइप जो है वो क्लास नेम हो जाता है, मैंने बताया था आपको, तो इसका मतलब वी आर पासिंग एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कोई भी होता है, हर ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हर ऑब्जेक्ट में जो ग्लोबल वेरिएबल यानी डेटा मेंबर हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, अगर उनको एक्सेस करना है उनसे बात करना है तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर, जैसे यहाँ पर एल बी एच तीन डेटा मेंबर हैं, एल बी एच, तो अगर हम एल की बात करेंगे तो ये ओ बी ऑब्जेक्ट है, तो ओ बी डॉट एल, ओ बी डॉट बी और ओ बी डॉट एच से बात करेंगे, इस ओ बी में तीनों डेटा मेंबर प्रेजेंट होंगे, अगर उनकी बात करना है तो हम कहेंगे ओ बी डॉट एल, ओ बी डॉट बी और ओ बी डॉट एच। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एल बी एच ये ग्लोबल वाले हैं और ये एल बी एच उस ऑब्जेक्ट वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एल इज इक्वल टू ओ बी डॉट एल, बी इज इक्वल टू ओ बी डॉट बी, एच इज इक्वल टू ओ बी डॉट एच। और ये फंक्शन है छोटा सा एक, ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल रहा है, तो ये क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स जो है बॉक्स क्यूबॉइड भी हो सकता है क्यूब भी हो सकता है, अगर सेम साइज है तो क्यूब हो जाएगा, तो क्या वॉल्यूम ऑफ बॉक्स प्लस एल इंटू बी इंटू एच, ये यहाँ प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वाइट टाइप का है, यहाँ से वैल्यू को रिटर्न नहीं होगी। अब यहाँ पर मेन है, मेन में स्टैटिक है, अब मेन में हम क्या बना, जब भी क्या होगा पहले मेन एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन देखेगा, देखता हुआ आएगा और इनकी जो आपके फर्स्ट लाइन जो होती है फंक्शन वो टाइप है उसको देख लेगा, स्टोर कर लेगा, जब भी कॉल करेंगे तो वहाँ जाके वर्क करेगा। अब क्या होगा, हमने यहाँ पर तीन पैरामीटर पास किया है इस मेन में, डबल एक्स डबल वाई डबल जेड, हमने इनपुट नहीं लिया किससे, कीबोर्ड से यानी स्कैनर लगा के या किसी भी दूसरे तरीके से, मैंने क्या किया वैल्यूज पैरामीटर से पास कर लिया है, इस तरीके से भी हम वैल्यू ले सकते हैं, ये हमने दिखाने की कोशिश की है, ये भी एक इनपुट का तरीका है, हम पैरामीटर से भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने ले लिया, तीन वैल्यू ली, डबल एक्स डबल वाई डबल जेड। अब अगर इसको हम एक्सेस करें तो देखिए, हम छोटी वैल्यू लेके देखते हैं, हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू लेके देखते हैं। अब कैसे वर्क करेगा ये, जैसे यहाँ डबल एक्स वाई जेड है तो हम क्या करें, एक्स वाई और जेड की वैल्यू ले लें, लेंथ ले लें हम 4.0 और ये ले लें 3.0 और ये ले लें 2.0, तीन वैल्यू ले ली हमने 4.0 3.0 और 2.0। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हम आ गए यहाँ है, जब पहला ऑब्जेक्ट हमारा बना वो क्या बना, ओ बी वन, अब हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे क्या बनेंगे, ओ बी वन ओ बी टू ओ बी थ्री ओ बी फोर ओ बी फाइव और ओ बी सिक्स, छः ऑब्जेक्ट बनेंगे, हमने छः ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब क्या होगा, ओ बी वन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब क्या है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
जब हम इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए बगैर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी पहले वाला। कौन सा कॉल होगा? पहला वाला। इसमें क्या हो जाएगा, एल बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका जो ओ बी वन है, इस ओ बी वन में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसमें एल 0.0 हो जाएगा, बी 0.0 हो जाएगा और एच 0.0 हो जाएगा। अब इसमें जो ओ बी टू हो रहा है, ओ बी टू में एक्स पास कर रहे हैं, एक्स पास करना एक वैल्यू पास कर रहे हैं, वो भी कौन सी? एक्स यानी डबल टाइप वैल्यू पास कर रहे हैं। तो अब देखते हैं डबल टाइप वैल्यू एक कौन सी पास हो रही है, यानी इसमें पास हो रही है, यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स में क्या है, एक्स वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू फोर है। तो इसका ओ बी टू में जब ओ बी टू बनेगा हमारा, तो ओ बी टू में L जो हो जाएगा 4.0 हो जाएगा, B भी 4.0 हो जाएगा और H भी 4.0 हो जाएगा। अब जब ओ बी थ्री बनेगा तो इसमें हम एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू पास कर रहे हैं, तीनों वैल्यू किस में पास हो रही हैं, इस वाले कंस्ट्रक्टर में पास हो रही हैं, यानी एल बी एच में जाएंगी, X की वैल्यू जाएगी L में, Y की वैल्यू जाएगी B में और Z की वैल्यू जाएगी H में, और इससे ग्लोबल वाले एल बी एच में चली जाएगी। तो ये तीसरा जो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर L की वैल्यू हो जाएगी 4.0, B की वैल्यू हो जाएगी 3.0 और H की वैल्यू हो जाएगी 2.0। उसके बाद हमारा जो है ये फोर्थ OB4 ऑब्जेक्ट बनेगा, बॉक्स OB4 न्यू बॉक्स। अब इसमें Y की वैल्यू जा रही है, Y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है, 3.0। तो इसमें ओ बी फोर जो बनेगा, तो l की वैल्यू हो जाएगी 3.0, b भी 3.0 हो जाएगा और h भी 3.0 हो जाएगा। तीनों की वैल्यू 3.0 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर y पास किया है और y की वैल्यू क्या है, 3.0 है। और ओ बी फोर जो ओ बी फाइव बनेगा, उसमें क्या कर रहे हैं, ओ बी फाइव फिजिकल न्यू बॉक्स ओ बी थ्री, यानी ओ बी थ्री की वैल्यू, यानी इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, यानी पासिंग ऑब्जेक्ट जब करते हैं कंस्ट्रक्टर में, उसको बोल सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी हम एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे में कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी हो जाती है, इसलिए इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, हमने जो बॉक्स ओ बी फाइव कहा तो इसमें ओ बी थ्री पास किया, तो ओ बी थ्री जो पास किया है, तो यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो कौन वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओ बी थ्री है जिसका नाम यहाँ ओ बी है, यानी इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पर वैल्यू कॉपी नहीं होती, यहाँ पर क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ ओ बी थ्री है उसी ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ ओ बी हो जाएगा, और ओ बी में जो, यानी ओ बी थ्री में जो वैल्यू है वो इसमें कॉपी हो जाएगी। तो यहां ओ बी थ्री में क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट फाइव बनेगा, ऑब्जेक्ट फाइव जो बनेगा तो क्या हो जाएगा, ओ बी थ्री में जो वैल्यू है वही उसमें कॉपी होगी, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.0 और बी की वैल्यू हो जाएगी 4.0 और एच की वैल्यू हो जाएगी 4.0। और जो हमारा ओ बी सिक्स बनेगा न्यू ऑब्जेक्ट, यहां ओ बी टू पास कर रहे हैं, ओ बी टू क्या है, ओ बी टू ये है, ओ बी टू यानी ये वाला ओ बी टू है, इसमें 4.0 सब में पास हो रहा है, तो एल बी एस तीनों की वैल्यू 4.0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल 4.0, बी 4.0 और एच 4.0, इस तरीके से ये वैल्यूज हमारी गई, कहाँ गई, छः ऑब्जेक्ट में गई। जितनी ये ओ बी वन है, ये ओ बी टू है, ओ बी थ्री है, ओ बी फोर है, ओ बी फाइव है, ओ बी सिक्स है, अब ये वैल्यू गई। अब जब हम जिस ऑब्जेक्ट को डॉट करके फंक्शन कॉल करते हैं, जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, दीज आर कॉल्ड करेंट ऑब्जेक्ट। जिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जिस ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन को कॉल किया जाता है
उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल्ड करेंट ऑब्जेक्ट डेटा। तो जो ऑब्जेक्ट डॉट करके हम फंक्शन कॉल करेंगे, हमारा फंक्शन एक ही है क्या, एक ही बनाया वॉल्यूम, और हम वॉल्यूम फंक्शन को कितने बार कॉल कर रहे हैं, 6 बार कॉल कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट से अलग अलग कॉल कर रहे हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट में जो LBH की वैल्यू है उस फंक्शन में यानी वॉल्यूम फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाएंगी और उसके हिसाब से प्रोसेस होगा, उसके हिसाब से प्रोसेस होगा। तो आप देखिए कैसे प्रोसेस होगा। अब हमने सबसे यहाँ पर यहाँ से क्या किया, कॉलिंग वॉल्यूम फंक्शन। अब वॉल्यूम फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट करके, तो हमने पहली बार कॉल किया है OB1 डॉट वॉल्यूम। जैसे ही हमने कहा OB1 डॉट, तो OB1 के डेटा मेंबर LBH जो हैं ये इस जो LBH यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें पहुँच जाएंगे। इस क्या ये LBH आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो जो हमारा आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये क्या है, ये तो हमारी क्या है ड्राई रन जिसको बोलते हैं, ये ड्राई रन हो गया, ये ड्राई रन है वर्किंग जिसको बोलते हैं, ड्राई रन या वर्किंग। अब हमारा आउटपुट आना शुरू होगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा पहली बार हमने किससे फंक्शन कॉल किया है, पहली बार हमने फंक्शन कॉल किया OB1 डॉट वॉल्यूम से, तो OB1 का डेटा LBH जितना भी है वो इस वाले LBH में जाएगा, उसके हिसाब से प्रोसेस होगा। तो LBH तीनों की वैल्यू क्या है 0.0 है, तो 0 × 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या आएगा, LBS यानी 0.0। अब दूसरी बार हमने कॉल किया, क्या किया OB2 डॉट वॉल्यूम। अब OB2 के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो OB2 में डेटा मेंबर क्या है, L के 4 हैं, B के 4 हैं और H का भी 4 है। तो ये LBS यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब OB2 से हमने कॉल किया है तो OB2 से जो वर्क करेगा तो आंसर क्या आएगा, 4 × 4 × 4 तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 4 × 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। तो क्या आंसर आएगा 64.0। अब तीसरी बार हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं OB3 डॉट वॉल्यूम। अब OB3 देखिए, OB3 में XYZ तीनों पास किया है, तो OB3 ये है, इसमें L की वैल्यू 4.0 है, B की वैल्यू 3.0 है और H की वैल्यू 2.0 है। तो तीनों वैल्यू यहाँ LBH में पहुँच जाएंगी, इसके हिसाब से प्रोसेस होगा। तो ये आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी 4 × 3 × 2 यानी 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। तो आंसर क्या आएगा 24.0। अब क्या होगा, अब हमने फिर कॉल किया OB4 डॉट वॉल्यूम से। OB4 में क्या किया हमने, वाई को पास की थी। अब OB4 में क्या है, LBH तीनों की वैल्यू हमारी क्या है 3.3 है, तो 3.3 तीनों है, तो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये यहाँ वैल्यू जाएगी LBH में, तो ये क्या आएगा आंसर, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 27.0। चार बार हो गया। अब पांचवी बार फिर कॉल हो रहा है OB5 से वॉल्यूम फंक्शन कॉल हो रहा है, तो OB5 के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो OB5 में क्या है, LBH तीनों की वैल्यू 4.0 है, तो उसके हिसाब से कॉल होगा। तो क्या आंसर आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या आएगा, यानी जो आपका किससे आया था, क्योंकि हमने वैल्यू कॉपी की है, किसकी वैल्यू कॉपी की है, OB5 में कॉपी की है OB3 की, तो जो OB3 का आंसर आया था, OB3 में क्या आंसर आया था 24 नहीं, OB2 कॉपी किया, हाँ ये OB2 गया, इसमें OB3 गया है, OB3 में XYZ, OB3 में XYZ गया है, तो ये आया यहाँ पर वैल्यू जाएगी XYZ गया है,
यहाँ पर आएगा 3.0, यहाँ आएगा 2.0, क्योंकि यहाँ OB5 जो बनाया है हमने, तो वहाँ पर OB3 पास किया, OB3 में XYZ तीनों गई हैं, यानी OB3 वाली गई हैं, 4, 3, 2 गई हैं, तो यानी 4, 3, 2 जाएगी वैल्यू, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा आपका, तो क्या आएगा 3, 2, 6, 6, 24, क्या आएगा 24.0 आएगा। अब लास्ट में हमने कॉल किया है OB6 डॉट वॉल्यूम, जो OB6 डॉट वॉल्यूम कॉल किया है, तो OB6 में जो डेटा है, OB6 में क्या है, हमने OB6 में कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया, OB2 में जो डेटा है, OB2 में कैसा, में 4, 4 है, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा, तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, क्या आएगा OB यानी 4, 4, 4 यानी 64.0, ये हमारा आउटपुट आएगा। यानी इसका मतलब क्या होता है, जितने बार हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, यानी फंक्शन कॉल करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को डॉट करके, उस ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो पहली बार हमने कॉल किया OB1 से, तो OB1 के डेटा मेंबर इस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच गए वॉल्यूम में। जब हमने OB2 कॉल किया, जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है L(B)H, तो L(B)H का मतलब है जो ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल किया है उसके LBH की बात हो रही है। पहली बार OB1 के LBH की बात होगी, दूसरी बार जब हमने कॉल किया OB2 से, तो OB2 के डेटा मेंबर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, फिर तीसरी बार OB3, फिर OB4, OB5 और OB6, जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल्ड करेंट ऑब्जेक्ट डेटा, वो बगैर ऑब्जेक्ट के वो डेटा मेंबर यूज होते हैं, वो सीधे पहुंचते हैं उस फंक्शन में और सीधे वर्क करते हैं। जैसे हमने यहाँ सीधे L(B)H किया है, तो जो ऑब्जेक्ट करके इस वॉल्यूम फंक्शन कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट में जो L, B और H हैं उनकी बात होगी। तो हमने 6 बार कॉल किया है, हर बार हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, इसलिए उसी हिसाब से वैल्यू हमारी आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये वर्किंग है, ये वर्किंग है, ये आउटपुट है, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी कर सकते हैं, हमने दिखा दिया आपको कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी है। हमने यहाँ बता दिया कि कैसे दिस यूज करेंगे, जब हम हमारा लोकल ये वेरिएबल है और ग्लोबल एक नाम क्या होगा, तो दिस लगा दिया लोकल ग्लोबल के साथ, दिस डॉट ग्लोबल, दिस डॉट एल, यानी ये ग्लोबल की बात हो रही, ये ग्लोबल की बात हो रही, और ये वाले जो ये पास किया वो इनकी बात हो रही। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं, पासिंग ऑब्जेक्ट है। तो इस जो OB1 इसको हमने OB3 से कॉल किया है, तो OB3 की वैल्यू से ये बनेगा ऑब्जेक्ट OB5, और OB2 जब पास करेंगे तो OB2, इसका मतलब क्या है, OB5 और OB3 की वैल्यू सेम होगी, और OB6 और OB2 की वैल्यू सेम होगी। इसीलिए दूसरी बार जो आंसर आया है वो लास्ट वाला आंसर भी वही आया है, क्योंकि यहाँ पर OB2 से कॉल किया है, और OB4 का जो OB3 का आंसर जो आया है, OB3 का आंसर क्या आया है, ये उसके हिसाब से आंसर है। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कंस्ट्रक्टर्स इन जावा, कि जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, बताया मैंने कंस्ट्रक्टर इज आल्सो फंक्शन, बट उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता, और क्लास का नाम जो होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। फिर मैंने बताया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। फिर मैंने बताया कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कौन कौन से होते हैं, नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज। फिर मैंने बताया दिस कीवर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया बॉक्स का, और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया, हमने दिस का भी यूज बताया, हमने ये भी बताया कि कैसे एक ऑब्जेक्ट वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं, यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी बताया, और हमने ये भी बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, दीज आर कॉल्ड करेंट ऑब्जेक्ट डेटा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर लिख सकते हैं,
उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कौन सा वीडियो आया कौन सा नहीं आया। तो आप तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है उसमें क्लिक करके ऑल ज़रूर कर दें। इससे क्या होगा, जो पहले से वीडियो आ चुके हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो आते हैं नए आते रहेंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको करना है वीडियो देखना है और अपने नियर और डियर यानी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा यानी इनकम्प्लीट वीडियो ना देखें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अधूरा वीडियो देखना सबसे बेकार की बात है, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट करना। इसलिए जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, तभी आपको एक एक बात क्लियर होगी। और हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक नई बात बताते हैं जो आपके को कन्फ्यूजन रहता है, वो सब मैं क्लियर करता हूँ। इसलिए जब भी देखें पूरा वीडियो देखें। ओके, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।